आगे बात करेंगे। नए साल में कई कार्यक्रम हो रहे हैं, होटलों में भी बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, लेकिन एक तबका भक्ति में लीन है, मंदिरों में ऐसे भक्त उमड़ पड़े हैं। रांची के चर्च रोड स्थित काली मंदिर में दर्शन के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। आज हो गया है नए साल में नई उम्मीदें लिए हुए श्रद्धालु मंदिरों की ओर रुख कर रहे हैं। रांची के काली मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी है। हर के मन में यही भगवान से कामना है कि ये साल बेहतर हो, लेकिन इस भीड़ में 75% लोगों ने मास्क पहना है, वहीं 25% लोग मास्क पहनना भूल गए हैं। हम लोग चाहते हैं कि पूरा साल अच्छे से बीते, पूरी दुनिया स्वस्थ रहे। अभी हम लोग कोरोना वायरस से बहुत बहुत कुछ झेल चुके हैं और अभी फिर से उसका नया वेरिएंट आ गया है, तो माँ काली से यही प्रार्थना है कि वो पूरी दुनिया को स्वस्थ रखें और सबों के घर में खुशियां आए। रांची के सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ है। चर्च रोड की काली मंदिर में अमूमन नए वर्ष में काफी भीड़ होती है, काफी दूर दूर से लोग यहां आते हैं। पिछले साल संकट भरा था, अब नया साल लोगों को खुशी और प्रगति दे। भगवान से ही मांगे कि पूरा सुख दुख साथ दे, सब अथी करे, वही मांगे हैं, पूरा राज्य को, पूरा ये कोरोना से दूर करे। हाँ, सबको मास्क पहनना चाहिए। काली माँ से बस यही मांगा है कि नया साल जो हमारा आया है, इस साल हमारा पूरा झारखंड और हमारा भारत कोरोना मुक्त हो जाए, सबके घर में खुशी आए और क्या, बस सब खुश रहे बस। नए साल में हर कोई की चाहत रहती है कि सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद ले, लेकिन ये भी जरूरी हो जाता है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करे। News 11 भारत के कैमरा पर्सन अरविंद के साथ अंजनी की रिपोर्ट। नए साल का जश्न सिर्फ उत्साह नहीं बल्कि ये व्यापार भी है। छोटे व्यापारियों को नए साल का जश्न फायदा दे जाता है। जायजा लिया संवाददाता जलाल ने। साल की मस्ती हो या पर्व त्योहार हो, अक्सर मस्ती उल्लास कुछ लोगों के लिए रोजगार भी लेकर आता है। ऐसे लोगों को इंतजार होता है कि बड़ी संख्या में लोग आएंगे, उनके हाथ में दो पैसे आएंगे, उनका व्यापार चलेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बायोडाइवर्सिटी पार्क के पास, जहाँ पर देखेंगे पूरी तरह से तमाम छोटे छोटे व्यापारी उस उम्मीद के साथ कि उनका व्यापार अच्छा होगा और वो उनके हाथ में दो पैसे आएंगे, कमा पाएंगे। शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिनके घर की महिलाएं पानी पूरी ना खाती हों। कैसा व्यापार चल रहा दीदी? आज तो ठीक ठाक चल रहा है। चलिए, आज तो ठीक ठाक चल रहा है, फायदा हुआ? हाँ, आज तो है, आज तो फायदा हुआ है। और देखेंगे पानी पूरी, कितना पीस पानी पूरी खाई? 6 पीस। चलिए, गॉड ब्लेस यू। उसके बाद इधर आ जाएंगे तो छोटे छोटे बच्चों की दुकान है, आइसक्रीम की दुकान यहाँ पर है, यहाँ पर भी आइसक्रीम खरीदा जा रहा है, लोग खरीद रहे हैं और व्यापारी यहाँ पर आइसक्रीम बेच रहे हैं। पानी पूरी की बबलू चाट, आपका क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र माथो है सर। बबलू किसका नाम है? मेरे लड़का का। वाह, कितना साल का है? वो हो गया वो 25 साल का। क्या करता है वो बबलू? पढ़ाई कर रहा है। चलिए, बबलू किस चीज की पढ़ाई कर रहा है? आईटीआई तैयारी कर रहा है। वो गरीब होते हुए भी चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़े, हम लोग तरक्की करें, देश में आगे बढ़े, हम लोग के जैसा आगे कुछ तरक्की करें इंडिया। इनके प्रयास से खुश हैं? नहीं, बहुत खुश है। नए साल की मस्ती छोटे छोटे व्यापारियों के लिए रोजगार लेकर आता है, उनके हाथ में दो पैसे आ जाते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसे ही उल्लास बरकरार रहेगा और छोटे व्यापारियों के जेब में कुछ पैसे आ पाएंगे। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, News 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।